हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा कश्यप। हमारी यूट्यूब चैनल कुछ नया सीखें विद पूजा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिना मैदा, बिना मावा, बिना दूध और बिना सूजी के गुलाब जामुन। आज हम गेहूं के आटे के गुलाब जामुन बनाएंगे जो बिल्कुल मावा जैसे बनकर तैयार होंगे, बिना फटे और सॉफ्ट सॉफ्ट गुलाब जामुन। अगर आप हमारी रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखें। तो चलिए बनाते हैं गुलाब जामुन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम पहले गुलाब जामुन की चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने गैस पर पैन रख दिया है। पैन हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक कटोरी चीनी डाल देते हैं। चीनी डालने के बाद उसी कटोरी से एक कटोरी पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद इसे इस प्रकार से चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। फ्लेम को हमें हाई रखना है और चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। अब हम चाशनी को 3 से 4 मिनट तक और पका लेते हैं। चाशनी को हमें तार बनने तक नहीं पकाना है, इसे 3 से 4 मिनट तक बस पकाना है। अब इसमें हम 2 क्रिस्प की हुई इलायची डाल देते हैं और इसे इस प्रकार से मिक्स कर देते हैं। चाशनी बनाते टाइम हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। चाशनी को हमें ना ज्यादा पतला करना है और ना ज्यादा गाढ़ा। अगर हमारी चाशनी गाढ़ी होती है तो यह गुलाब जामुनों को सोख नहीं करेगी। हमारे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और चाशनी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें तार नहीं बन रहा है, तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। चाशनी को हम बाउल में निकाल लेते हैं और इसे ढककर रख देते हैं। अब हम अपने गुलाब जामुन का डो तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें 3 बड़े चम्मच गेहूं का आटा डाल देते हैं। यहाँ हमें थोड़ी बारीक वाला आटा लेना है और इसमें 3 बड़े चम्मच डाल देने हैं। इसके बाद इसमें 5 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ले लेना है। इसी चम्मच से हमें 5 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ले लेना है। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 2 क्रिस्प की हुई इलायची, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। इसके बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून घी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। घी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेते हैं। सारी चीजों को हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब इसका एक डो बना लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए एक डो बना लेते हैं। यहाँ हमें सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है इस प्रकार से इसे। यहाँ हमारा सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है। इस प्रकार से हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। डो हमारा तैयार हो गया है। डो को हमें बहुत सॉफ्ट तैयार करना है, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन बहुत टाइट बनेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं बनेंगे, जिससे हमारे गुलाब जामुन में अच्छे से चाशनी अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें डो थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना है। जैसे ही हमारा डो तैयार होता है हम तुरंत इसके बॉल्स बनाकर फ्राई कर लेते हैं। अगर हम डो को थोड़ी टाइम के लिए रख देते हैं तो हमारा डो टाइट हो जाएगा, इसलिए हम तुरंत बॉल्स बना लेते हैं। अब हम डो से बॉल्स बना लेते हैं। बॉल्स बनाने के लिए हम इस प्रकार से हथेली पर डो रख लेते हैं
और इस प्रकार से हल्के हाथों से बॉल्स बना लेते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल स्मूथ बॉल्स बना लेने हैं और बिल्कुल भी इसमें क्रैक ना हो। इस प्रकार से हमें सारे बॉल्स बना लेने हैं। हमने इस साइज की बॉल बनाए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब इसके हम सारे बॉल्स बना लेते हैं। हमारी सारी बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। इस डो से हमारी 9 बॉल्स बनी हैं और हम सारी बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। बॉल्स को फ्राई करने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक एक कर बॉल्स डाल देते हैं। इन्हें हम लो फ्लेम पर इस प्रकार से हिलाते हुए पका लेते हैं। हमारे सारे बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आया है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब हम सारे गुलाब जामुन को इस गरम गरम चाशनी में डाल देते हैं। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई हो तो इसे थोड़ा सा गरम कर लें और इसमें सारे बॉल्स डाल देते हैं। अब इन्हें हम 2 से 3 घंटे के लिए चाशनी में डिप करके रख देते हैं, जिससे गुलाब जामुन में अच्छे से चाशनी भर जाए। हमारे 2 से 3 घंटे हो गए हैं और हमारे गुलाब जामुन ने अच्छे से चाशनी अब्सॉर्ब कर ली है। आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन कितने सॉफ्ट बने हैं, आप देख सकते हैं। और ये पहले से डबल हो गए हैं फूलकर, आप देख सकते हैं। अब हम अपने गुलाब जामुन को कटोरी में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन कितने अच्छे बने हैं। अगर आपको हमारे गुलाब जामुन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।